गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बाय बाय ब्रेंडिंग ऑफ बीइंग एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये आपको दिखाई दे रही होगी दूर, ये दो नाइफ एजेस पे टिकी हुई है। एक नाइफ एज ये है, इसका पूरी व्यवस्था है नाइफ एज पे इसको फिक्स करने की। टेबल में इसको कसा गया है, यहाँ नाइफ एज लगाया गया है, एक नाइफ एज यहाँ पर लगाया गया है। ये बीम है लंबी लंबी, आपको दिख रही होगी, और इस बीम को दो नाइफ एजेस पे सपोर्ट करा गया है। बीच में हमने एक जो लोड किया जाता है इस पे वेट लटकाने वाली व्यवस्था की हुई है, और इसमें कितना ये वर्टिकली डाउन होगी जब बीम बेंड होगी उसको हम इस स्फेरोमीटर के माध्यम से पढ़ेंगे। अब ये कब टच करेगी इसकी टिप, स्फेरोमीटर की जो नीचे टिप है शायद दिखाई दे रही हो, ये टिप जैसे ही टच करेगी तो इसके साथ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से हमने एक बल्ब जोड़ रखा है। ये बल्ब जो है जैसे ही सर्किट पूरा होगा इसको टच करते हुए बल्ब जलने लगेगा, और जैसे ही हम नीचे झुका देंगे तो फिर ये सर्किट टूट जाएगा, फिर इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमको ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी। तो आप बुक के हिसाब से इसका ऑब्जेक्ट देख सकते हो। टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ ए गिवन बीम, ये जो बीम गिवन है इसी का निकालना है। सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजेस, अभी हमने बताया था कि दो नाइफ एजेस पे सपोर्ट किया गया है, एंड लोडेड एट द मिडिल, बीच में हम इसको वेट से लोड कराएंगे। फिर उसके बाद एपरेटस में द गिवन बीम, एपरेटस देख लीजिए, ये बीम गिवन है। स्पैरोमीटर, ये स्पैरोमीटर लगा हुआ है, इसमें एक सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये जो स्केल है ये इधर से दिखाइए, ये स्केल इसमें मेन स्केल है, ये स्केल मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये ऊपर है। मेन स्केल का मतलब वही 0.1 सेंटीमीटर इसकी लीस्ट काउंट है, इसमें 100 डिवीजन्स हैं, ये स्पैरोमीटर कहलाता है, ये पूरा अरेंजमेंट। वास्तविकता ये है कि ये बिल्कुल स्क्रू गॉज के सिद्धांत पे काम करता है, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। तो आप स्फेरोमीटर कहने को कह रहे हैं लेकिन इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप स्क्रू गॉज की तरह ही लेंगे। इसके बाद इसमें ये स्फेरोमीटर हो गया, 0.5 केजी के वेट्स हैं, एक ये हैंगर है, ये कुल मिला के 0.5 केजी का है। इसके अलावा हमने इसमें 5 वेट्स आधा आधा केजी के 4 रखे हुए, हाँ पूरे 5 हमने वेट्स रखे हैं। हम इसको सीक्वेंस में इनको सस्पेंड कराएंगे या इसको लोड करेंगे भी इनको सेंटर में, तो 0.5 केजी वेट्स हैं, एक हैंगर है 5 केजी वेट्स के साथ, ये बता दिया है। उसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स चाहिए, ये वर्नियर कैलिपर्स हमारे सामने है। मीटर स्केल ला के नहीं रखी है, मीटर स्केल मंगवा लीजिए, तो मीटर स्केल की ज़रूरत है और ये स्क्रू गॉज की ज़रूरत है। और इसके अलावा या तो गैल्वेनोमीटर यूज़ करें या बल्ब, हमने इसमें बल्ब को यूज़ कर रहा हुआ है। इसके बाद जो आपने थ्योरी में बेंडिंग ऑफ बीम की थ्योरी पढ़ी है उसमें डिप्रेशन के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था या बुक में किया गया है, उसी में सब्जेक्ट हमने वाई को बनाया, तो ये आपके सामने है, वाई इक्वल टू एम जी एल क्यूब अपॉन 4BD³ डेल्टा, जहाँ पे एम जो है जो मास सस्पेंड करेंगे वो है जो हमने अभी मासेस दिखाए थे जो सेंटर में हम लोड करेंगे फ्रॉम द बीम। उसके अलावा जी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्टैंडर्ड हमें यूज़ करना है, इसका मेजरमेंट नहीं लेना है, एम आपको दिखाई दे रहा है। एल इज द लेंथ ऑफ द बीम बिटवीन द टू नाइफ एजेस, इसको नाप के हम अभी दिखाई दे रहे हैं, ये एल इज द लेंथ बिटवीन द टू नाइफ एजेस, नाइफ एजेस जहाँ से जहाँ तक आए हुए हैं उसकी हम लंबाई नापेंगे। ये हमने सीधा शुरुआत में इसको यहाँ पे हमने टिका दिया है, या आप इस साइड से आप नोट कर सकते हो, यहाँ से दिखाई देगा, हमने यहाँ पे 1 पे रख दिया है, और उसके बाद ये नाइफ एज यहाँ तक आ रहा है, ये 74 सेंटीमीटर है एल की, ये हमने साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी दिखा दी है, यहाँ पे एल 74 सेंटीमीटर आ रही है। बी इज द ब्रेथ ऑफ द बीम,
ये बीम की जो चौड़ाई है इसको हम वर्नियर कैलिपर से नापेंगे। अभी हम एक एक रीडिंग लेके आपको दिखाएंगे, इसमें हम फंसाएंगे इसको, और उसके बाद हम इसकी चौड़ाई नापने के लिए करेंगे। हम इसकी सारी ऑब्जर्वेशंस नहीं बताएंगे क्योंकि आपको वर्नियर कैलिपर से कितनी रीडिंग करनी ये आपको खुद करना होगा। इसकी चौड़ाई जो आ रही है वो आ रही है 3.8 पूरा है, लेकिन 3.8 से कुछ बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है इसको हम कौन सा डिवीज़न मैच कर रहा है, ये पहला ही डिवीज़न एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो 3.8 हो गई है मेन स्केल लीडिंग ब्रेथ के लिए, और प्लस 0.01 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01, पहला डिवीज़न मैच कर रहा है, दूसरा डिवीज़न था, तो इंटू 2, तो 3.82 सेंटीमीटर इसकी विड्थ आ चुकी है। इसी तरीके से थिकनेस हमें निकालनी है तो स्क्रू गॉज से हम निकालेंगे। पहले तो इसका हम जीरो एरर चेक करते हैं। हमेशा स्क्रू गेज में याद रखें कि इससे जो पीछे रैचेट लगा होता है उसी से घुमाएं। इसमें अच्छी खासी जीरो एरर है, 20 डिवीजन्स पहले से आ रहे हैं, इनको हम नोट करेंगे अभी जब टेबल में दिखाएंगे। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है पहले मैं ले ही लेता हूँ, ऑब्जर्वेशन टेबल बनी होगी, पहले वर्नियर कैलिपर्स वाले जो टेबल बनी है उसकी जो है विड्थ निकालने के लिए, टेबल फॉर विड्थ, विड्थ निकालने के लिए मेन स्केल लीडिंग हमने अभी दिखाई थी 3.8 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर है, इसमें जीरो एरर नहीं थी तो जीरो हो गई, तो जीरो नहीं थी। मेन स्केल रीडिंग 3.8 है, वनियर स्केल रीडिंग अभी 0.02 निकाली थी, टोटल हो गया 3.82। ये रीडिंग हम लेके नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने अलग से भी वर्नियर कैलिपर्स का वीडियो डाला है। उसके अलावा और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में आप नोट करते हैं, इसी तरीके से आप 3 रीडिंग, जब आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा तो आप 3 रीडिंग इसकी ब्रेथ निकालने के लिए लेंगे। एक टेबल और बनी है, हालांकि इस बुक में जो टेबल बनी है स्क्रू गॉज के बजाय वर्नियर कैलिपर्स से ही है, लेकिन हम थिकनेस निकाल रहे हैं स्क्रू गॉज से। तो स्क्रू गॉज को से इसकी जो मोटाई है इस बीम की, इसमें हम फंसा लेते हैं और इसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, वहाँ देखना मुश्किल था। 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन्स एग्जैक्ट हैं और 26 डिवीजन इधर हैं। तो हम यहाँ पे ये हम वर्नियर कैलिपर्स की जगह स्क्रू गॉज लिखते हैं। स्क्रू गॉज इसकी जो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, जीरो एरर ऑफ स्क्रू गॉज ये थी 20 डिवीजन्स की, तो 0.020 आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सेंटीमीटर प्लस में थी, ये हो गई आपकी जीरो एरर। अब इधर जो है जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं पूरे 6 डिवीज़न, माने पॉइंट मेन स्केल लीडिंग 0.6 सेंटीमीटर हो गई, और इसमें 26 डिवीज़न वर्नियर स्केल लीडिंग की जगह सीएस स्केल लीडिंग, तो लीस्ट काउंट 0.001 से आप 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.026, तो थिकनेस हो गई आके 0.626। हम एक ही रीडिंग लेंगे। अब इसमें अगर आप अनकरेक्टेड डायमीटर लिखेंगे, मोटाई लिखेंगे, तो 0.626, चूँकि हम एक ही रीडिंग ले रहे हैं आपको 3 रीडिंग लेनी है। अब इसमें चूँकि पॉजिटिव जीरो एरर है तो इसमें 0.020 घटाएंगे, तो यहाँ पे 0.606 सेंटीमीटर ये इसकी थिकनेस आ चुकी है। मेन टेबल इसकी ये है जो एक्सपेरिमेंट करने की आपने जो फॉर्मूला गिवन है, हमें एम अभी नोट करना होगा और
ये डेल्टा नोट करना होगा। हमने एल नोट कर लिया, बी नोट कर लिया, डी नोट कर लिया, फोर पहले से आप जानते हो, जी भी आप पहले से जानते हो। अब हम लोग इस टेबल को भरने का काम करते हैं। सबसे पहले हम इसको सर्किट को ऑन करने की कोशिश करेंगे। हमने हैंगर भी नहीं लगाया हुआ है, जीरो रीडिंग लेंगे। ये क्या बात है, क्यों नहीं चल रहा है, इसको बुलाओ, ये भाग जाता है, ये सही से चल नहीं रहा। अब ठीक है, ये बल्ब सही नहीं लगा था। जैसे ही इसमें टच करेगा, इसके पहले वो सेटिंग सही कर लेते हैं, नहीं तो बाद में डिस्टर्ब करेगा। अभी ऑफ है, जैसे ही इसको टच करेगा, इसकी हमें ऑब्जर्वेशन लेके दिखानी है, फिर वही गड़बड़। इसको टच कर गया है, फिर भी जल नहीं रहा है। रविंद्र को आवाज दो, रविंद्र आप जब वीडियो बनाए तो आप यहाँ रहें, कोई गड़बड़ी होती है तो कैसे चेक होगी। ये अब ठीक है, जैसे ही ये टच कर रहा है तो एक ही स्थिति में हमको मेन स्केल रीडिंग पढ़नी है और सर्कुलर स्केल रीडिंग है। तो इसमें जो स्फेरोमीटर की जो लिस्ट काउंट है, ये कभी जलता है कभी नहीं जलता, ये ढीला है ना, अभी समय जलेगा। तो लिस्ट काउंट फॉर स्फेरोमीटर, इसके एक डिवीजन की वैल्यू है पॉइंट, मेन स्केल इसको दिखाइए, 0, 10, 0, 10 इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं जो 10 है उसी को 0 मान के चलता हूँ, और ये 0 को हम 20 मान लेंगे, आगे वाले को 30 मान लेंगे। तो अब आप देखिए, इसमें जब 0 रीडिंग है, पहले तो इसकी लीस्ट काउंट लिखते हैं। लीस्ट काउंट जो है इसकी 0.1 डिवाइडेड बाई 100 डिविजन्स हैं, स्क्रू गॉज की तरह 0.001 सेंटीमीटर इसकी लीस्ट काउंट आई है। 0 एरर का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस लेंगे। तो पहली रीडिंग हम इसकी लेने जा रहे हैं, जैसे ही ये जलेगा हम रीडिंग लेंगे। जैसे ही ये देखिए जलते हुए देख लिया बच्चों ने, अब मैं इसकी रीडिंग लूँगा। यहाँ सामने लाइए, और इसका जो मेन स्केल रीडिंग है मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 हमने इसको माना है, 1, 2, 3, 4 डिविजन्स, 4 डिविजन्स हैं। ये पहले इसका दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से 1, 2, 3, 4 5 डिविजन्स हैं। तो ये 5 डिविजन्स हैं, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 0.5 सेंटीमीटर। अब इसी के सामने ये कौन सा है, ये जरा दिख जाए, इस तरीके से दिखाओ। ये जो है 0, 10, 15, 16, इसके जो पहला वाला जो हमारा सरफेस है, इसके सामने कौन सा है, ये है 12 डिवीजन है इसके सामने। तो इसके हम 12 डिवीजन लिखेंगे, और इसको 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.012 सेंटीमीटर टोटल हो गया, 0.512 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ऊपर लिखा हुआ है। अब जो है 0 रीडिंग हो गई, 0 हमने कोई वेट नहीं लटकाया था। अब हम इसमें एक हैंगर लटकाएंगे, यानी 0.5 केजी का ये हैंगर है, ये लगाते हुए दिखाई देना। तो हम इसमें यहाँ पे हैंगर हमने लटका दिया, हैंगर लटका दिया है, बल्ब बुझा क्यों नहीं। बुझना चाहिए था, रीडिंग सही नहीं थी पहले वाली रीडिंग हमको दोबारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लगभग ज़्यादा पैसा हुआ था, बल्ब की कुछ खराबी थी। अब ये रीडिंग हमें दोबारा लेनी पड़ेगी। जैसे ही जलना स्टार्ट हुई थी स्टाइल में, जस्ट यहाँ पे जलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये रीडिंग ले रहा हूँ, ठीक है, दोबारा लेनी पड़ेगी ये रीडिंग। इसमें मेन स्केल रीडिंग कहाँ पे दिख रही है, हाँ अब आपको दिख रही है। अब 4 डिविजन्स पे आ चुका है, ये नहीं 5 डिविजन्स हैं, देखिए यहाँ पे इसके ठीक सामने दिखाई नहीं, अभी फोकस नहीं हो पा रहा है, ये करें कुछ
अब देखा ये 1 2 3 ये अपने आप चला जाता है, फोकस नहीं करता है। ये 6 डिवीजन है, 5 डिवीजन पूरे हैं, बचा हुआ आगे है 5 है। यहाँ पे जो डिवीजन है वो 78 है, 78 है। 1 2 की जगह जो पहले लिखा था उसकी जगह में 78 लिखूँगा, 0 1 2 की जगह पे 78 हो गया, तो 5 7 8 हो गई है पहली रीडिंग 0 पे। अब मैं हैंगर लगाने जा रहा हूँ, हैंगर लगाने के बाद ये बुझ जाना, अब बुझा है। जब ये बुझ गया तो ये अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ही जलेगा मैं इसकी नोट करूँगा। देखिए मेन स्केल रीडिंग में मैं दिखाऊंगा नहीं, मेन स्केल की रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं आया है, और ये 50 एग्जैक्ट, ये जो उसके सामने है मैं उसी को पढ़ता हूँ, 50 डिवीजन्स हैं। तो अब ये तो इस रीडिंग जो है 0.5 ही आ रही है, 0.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 78 की जगह पे 050 हुआ, तो 0.550 रीडिंग हो गई है। अब मैं इसमें 0.5 केजी का वेट हैंग कराऊंगा, फिर ये बल्ब बुझ जाएगा। हमने इस पर वेट लटका दिया है, बल्ब बुझ चुका है। अब जैसे ही ये आगे की ओर हम बढ़ाएंगे तो फिर ये टच करेगा, फिर ये जैसे ही टच करेगा हम रीडिंग नोट कर लेंगे। अब ये है 19 डिवीजन है, लेकिन इसके जो मेन स्केल रीडिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। मेन स्केल रीडिंग हम फिर वही लिखेंगे 0.5 ही, और यहाँ पे 0.019, तो 0.519 ये हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले रीडिंग ज़्यादा थी, अब रीडिंग कम हो रही है, राइट। अब हम 0.5 केजी का और मास रखेंगे तो फिर ये डिप्रेस होगी, यानी कि नीचे की ओर झुक जाएगी, फिर बल्ब बंद होगा। देखिए बल्ब बंद हो रहा है, दिखाई दे रहा है सबको। अब मैं फिर इसको स्फेरोमीटर को घुमाऊंगा, जैसे ही ये टच करेगी, टच इसने किया और टच किया तो ये एग्जैक्ट 0.5 है। ये अभी मेन स्केल रीडिंग चेंज नहीं हुई, और 0.000 हो गया, तो 0.500 ये रीडिंग आएगी। मैं एक बार फिर 0.5 केजी का वेट रखूँगा, फिर ये बुझेगा। अब मेन स्केल रीडिंग में भी फ़र्क आ जाएगा, जब साइकिल पूरा होता है तभी मेन स्केल रीडिंग में फ़र्क आता है, ये ध्यान रखें। अब मैं इसको आगे फिर बढ़ाऊँगा, जिस क्रम से बल्ब जलेगा, जल गया। अब मैं मेन स्केल रीडिंग फिर देखना चाहता हूँ, मेन स्केल रीडिंग देखना है मुझे, इसी में देखता हूँ, ज़्यादा अच्छा है इसी से। ये जो है मेन स्केल रीडिंग आप देखिए इसमें कौन सी आ रही है। अब ये 6 हो चुकी है, अब 0 10 को मैंने 0 माना है, ये बच्चों देख मान के समझ के चलिए, ये 6 डिवीजन पूरे हैं। मैंने इसको 0.6 लिख दिया है, मेन स्केल रीडिंग को, इसको पकड़ लीजिए, इसको मैंने 0.6 लिख दिया है, 0.6। और इसमें 0.6 था, कितना था, 0.6 था, अरे भाई उल्टा चल रहा है ना ये, जब ये नीचे जा रहा है तो ये था 5 है, ये उल्टा चल रहा है ये। चलिए फिलहाल इसको 0.6 के बजाय हम 0 उसी को मान के चलते हैं जो पहले था, तो ये 0.5 था, 10 ये हुआ 10, ये कुछ फॉल्टी है, हम उल्टा चल रहे हैं और ये उल्टी रीडिंग दे रहा है। ये जब रीडिंग लगातार घट रही थी तो ये रीडिंग 4 होनी चाहिए थी। हाँ एक्चुअली 0 से अगर करेंगे, 0 to 5 करेंगे तब तो ये 0.6 है,
सिक्स के बजाय हम जीरो से करेंगे तो ये 0.4 हो चुकी है, राइट? बिल्कुल सही है, 0.4 हो चुकी है। मैं जीरो पहले वाले जो एक्चुअल जीरो है उसको लेता हूँ और इसके डिवीजन जो सामने हैं 77 है, तो 0.077 तो 0.477 हो चुका है। अब एक वेट और लगाते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों मैंने ऐसा किया, कि अपने अनुभव के आधार पर मैं कर रहा हूँ। अब मैं फिर इसको आगे जलाऊंगा, जैसे ही जलेगा, हाँ जल गया है, ये 42 पे आया है, 42 है इसके सामने, है ना? अभी और अभी भी जल रहा है तो हम पहले ही जलेगा, 42 ही है, 42, तो ये 0.4 ही रहा और ये 0.042, तो 0.42 सेंटीमीटर। अब लास्ट वेट बचा है, हम इसको भी इस पे हैंग करेंगे, सस्पेंड कराएंगे, फिर बुझेगा, फिर आगे मैं देखता हूँ कहाँ पे जलना शुरू होता है। जल गया है, ये 21 पे जला है, मेन इसके रीडिंग वही हुई 0.4 और 0.421। ये तो लोड इंक्रीजिंग में हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं, अब लोड डिक्रीजिंग में हमको लेनी है। तो लोड डिक्रीजिंग में जो लास्ट वाली है 3 kg वाली, ये एज सच यहाँ पर रिपीट होगी 0.421। अब मैं इससे एक वेट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा जाके 2.5 kg बचेगा, हमने इसको हटा दिया है। अब मुझे उल्टा वापस करना पड़ेगा, इसको उल्टा वापस करना पड़ेगा जब ये बुझने लगे, अब वहाँ पे रीडिंग लेनी है। पहले जहाँ से बल्ब ग्लो करना स्टार्ट होता था वहाँ रीडिंग लेते थे, अब जस्ट ग्लो करना बंद करेगा वहाँ पे रीडिंग लूँगा। तो जहाँ पे ये बंद हो रहा है वो हम यहाँ रीडिंग ले रहे हैं, कहाँ पर ग्लो करना बंद हो रहा है, ये 4 पे हो रहा है। तो पहले 42 पे हो रहा था, मेन स्केल रीडिंग वही है 0.4 और 0.4244 है, और तो 0.421 था, ये 444 हो गया। अब मैं एक वेट और हटाता हूँ, अब फिर ये जहाँ बंद होगा, क्योंकि ये जैसे ही उसका प्रेशर ऊपर की ओर आ रहा है तो वो ये जब ये टूटने लगेगा सर्किट वहीं पे ग्लो होना बंद होगा। ये आ रहा है 67 पे, तो ये जो है 0.4 वही रही ऑब्जर्वेशन, 0.067 तो 0.467 67 इसके डिवीजन है। इसके बाद मैं फिर हटाता हूँ और इसकी रीडिंग लेता हूँ। अब ये देखिए कहाँ पे ये बंद होना शुरू होगा, मैं उल्टा चलाऊँगा, यहाँ जस्ट बंद हो रहा है ना, ये अभी बंद नहीं होगा, यहाँ पे बंद हो रहा है, तो 0.4 बंद होने वाली स्थिति वाला 497, तो ये 0.4 ही रहा और 0.97 तो 0.497 इसकी रीडिंग आ रही है। अब हम एक वेट फिर हटाएंगे, फिर हम इसको उल्टा चलाएंगे, अब जहाँ बुझने लगेगा हम वहाँ रीडिंग लेंगे, मेन इसके रीडिंग फिर बदल जाएगी, क्योंकि चक्कर पूरा हो चुका है, कहाँ पे बंद हुआ था, यहाँ पे बंद हुआ था। ये 25 डिवीजन्स हैं, तो 0.5 हो गई मेन स्केल रीडिंग, 0.25 था, 0.25 तो 0.525 हो गया। इसके बाद एक हम और हटाएंगे वेट को, नेक्स्ट रीडिंग लेंगे। अब फिर मैं इसको उल्टा चलाऊंगा, देखते हैं कहाँ पे बुझना शुरू होता है, ग्लो करना बंद यहाँ पे हो रहा है,
मैंने यहीं रोक दिया जहाँ जस्ट बंद होने की स्थिति है, ये है 53, तो 0.5, उसके बाद 0.053, तो 0.553 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब मैं इस हैंगर को भी हटाता हूँ तो 0 kg वाली लास्ट रीडिंग आएगी। मैं इसको फिर हटा रहा हूँ और जहाँ पे ये बंद होगा उसको मैं 3 को दूंगा। बंद होने की ये स्थिति है, ये पार कर दिया था, ये कुछ हिल तो नहीं है। ये है एक्चुअली 82 पे है, 0.5 0.82 है, 0.582। ये अब आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस हो गई। अब क्या करना है आगे, मीन रीडिंग ए प्लस बी बाई टू, मैंने इसका और इसको जोड़ के यहाँ पे सम लिखेंगे, इसका इसका ऐड करते हुए यहाँ सम आधा से डिवाइड करके इसका मीन निकालेंगे और ये सारी मीन वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे। जब आप ये मीन वैल्यूज लिख लेंगे हमें 2.5 केजी का जो भी वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ 0 kg है, यहाँ पे 2.5 की जगह मैं यहाँ पे एम की वैल्यू 1.5 करूँगा चूँकि हमने ऑब्जर्वेशंस घटाई हैं, तो ये 1.5 वाली ये रीडिंग है और 0 की ये है, इसका इसका डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे, फिर 0.5 और 2 का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, फिर इसी तरीके से हम 1 और इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, फिर हम इसका और इसका डिफरेंस लिखेंगे। ये लगातार जो हम लिखते चले जा रहे हैं और फिर हम क्या करेंगे 1.5 केजी के लिए इन सब के फिर मीन निकाल के एक हम रखेंगे जो हमारी 4 मीन आएंगे। अगर हम मीन कम करने हैं तो हम 2 kg भी कर सकते हैं कि 0 और 2 वाली जो डेल्टा की वैल्यू है इनका डिफरेंस करेंगे, फिर 0 और 2.5 का डिफरेंस करेंगे, सॉरी 0.5 और 2.5 का करेंगे, फिर 1 और 3 का करेंगे, तो 3 इस तरीके से यहाँ पे आएंगी, इन तीनों का मीन यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये जो मीन वैल्यू डेल्टा की और 1.5 की वैल्यू जो हमारी मिसिंग थी इस फॉर्मूले में, एल आपने पहले से नोट किया हुआ था, डी आपने पहले से नोट कर लिया है, बी भी नोट कर लिया है, जी आपको पता, 4 पता है, एम की वैल्यू जो आपने निकाली थी उसको भी आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने जो 4 वैल्यूज़ निकाली हैं, एक तरीका और है कि आप जैसे जैसे एम बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा बढ़ेगा, आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, एम को एक्स एक्सिस पे ले लें और डेल्टा को आप वाई एक्सिस पे ले लें, और जब आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी और इसका जब स्लोप निकालेंगे तो ये एम को रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा को, एम बाई डेल्टा आप डायरेक्ट एक बार में निकाल के इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको करना है, इस एक्सपेरिमेंट में एक बार फिर मैं समराइज कर दूँ, ये जो नाइफ एजेस लगे हुए हैं इनके बीच की लंबाई इस स्केल से नापनी है, ये बहुत आसान का काम, आसान सा काम है आपके लिए। दूसरी चीज़ आपको करनी है, इससे आप इसकी चौड़ाई नापेंगे, इस बीम की चौड़ाई, जो भी ये चौड़ाई नापना आपने वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल आता है, आपने यहाँ निकाली, फिर दूसरी जगह निकाल ली, तीसरी जगह निकाल ली, चौथी जगह निकाल ली, इस तरीके से आप 4 ऑब्जर्वेशंस इसकी थिकनेस निकालने के लिए आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसकी जो मोटाई इसकी चौड़ाई निकालने के लिए किया था, थिकनेस आप एक बार यहाँ निकालिए, एक बार आप अगर यूनिफॉर्म बीम है सब एक समान आएगी, हो सकता है यूनिफॉर्म कम हो तो आप 2-3 जगह पे आप रीडिंग टेबल भरने के लिए आप ये आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इसको फंसा के और इसकी मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे और इस तरीके से आप उसकी थिकनेस निकालेंगे, लंबाई, चौड़ाई और इसकी मोटाई। इसके अलावा
जो मास हमने अभी लटकाए थे इसकी टेबल, जैसा कि हमने कहा था कि इसको जैसे जैसे डिप्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे डिप्रेशन इस स्पेरोमीटर के थ्रू हम नोट करते जा रहे हैं कि कितना 0.5 केजी से डिप्रेस करने पर डिप्रेस हुई है, फिर 0.1 केजी पे क्या उसकी स्थिति है, 1.5 केजी पे क्या स्थिति है, केजी पे कितनी है, 2.5 केजी पे कितनी है और 3.0 केजी पे इतनी ही हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं। लगातार इस पर हम कंटिन्यूसली बड़े सावधानी के साथ ये जब हम लोड इंक्रीजिंग में होते हैं करते हैं तो बल्ब को जस्ट ग्लो करना शुरू करता है, उस जगह पे हम इस स्पेरोमीटर की रीडिंग लेंगे। और लोड डिक्रीजिंग में खास ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाली 3 केजी वाली हो सेम रीडिंग होगी, जैसे ही आप 3 वो उसको हम इसमें रिकॉर्ड भी वही सेम रीडिंग करेंगे, और उसके बाद जैसे ही आप 0.5 केजी हटाएंगे और उसके बाद आपको उल्टा वापस आना पड़ेगा जहां जस्ट ग्लो करना बंद करने वाला होगा, वहां पे आप उसकी मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग स्पेरोमीटर पर लेंगे। और उसमें रीडिंग लेते हुए इसी तरीके से हैंगर हटा के 0 पे आएंगे। और फिर टेबल में भी हमें वर्क करना है, टेबल में आपने 0.5 केजी और 2 केजी वाली जो डिप्रेशन की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 करके आई थी, ए थी हमारी लोड इंक्रीजिंग में वैल्यू और बी थी वो लोड डिक्रीजिंग वाली थी, तो ए प्लस बी बाई 2 जो भी हिस्टेरेसिस की वजह से जो डिफरेंस आता है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो जो वैल्यू आई है उसको हमने नोट कर लिया। जो स्पेरोमीटर रीडिंग ऐसे डिप्रेशन तो ये आया कि 0 केजी और 1.5 केजी की रीडिंग में क्या डिफरेंस है, शो करना है, फिर 0.5 और 2.0 के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें डिफरेंस लिखना है, फिर उसके बाद आपको 1 और 2.5 के बीच का डिफरेंस निकालना होगा, इसी तरीके से 1.5 और 3 का वो जो डेल्टा की वैल्यूज हैं इनका मीन निकाल के डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो एन को 1.5 केजी करते हुए। दूसरा तरीका है क्योंकि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, तो आप एम को एक्स एक्सिस पर और डेल्टा को वाई एक्सिस पर प्लॉट करके एम बाई डेल्टा उसके स्लोप से भी निकाल सकते हैं और उसे भी कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दोनों तरीकों से आप एम बाई डेल्टा की वैल्यू निकालें और उसके बाद फाइनल 2 बार कैलकुलेशन करके फ्रॉम ग्राफ एंड फ्रॉम डायरेक्ट कैलकुलेशंस आप इस तरीके से जो यंग मॉडुलस है जो थ्योरी में आपने पढ़ा है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को उपयोग करते हुए जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी होती हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हम फाइनलाइज करेंगे। और मुझे लगता है मैंने सारा कुछ बता दिया है।